फरामोश तुझसा तो नहीं हूँ, हर ज़ुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़िया तबारक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंदरून लाहौर में और मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं फज्जे के पाए और उसी के बराबर में है मशहूर और मारूफ आरिफ चटखारा जिसको हम आज ट्राई करने के लिए आए हैं। लेकिन ये एक पूरी जो है ना ये फज्जे के पाए की तरफ ये फूड स्ट्रीट बन गई है और यहाँ पर मुख्तलिफ छोटे छोटे बड़े बड़े सारे फूड की शॉप्स हैं, मुख्तलिफ खाने की चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन हम स्पेसिफिकली जाएँगे आरिफ चटखारा के ऊपर और उनका चटखारेदार चिकन ट्राई करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो फिर चलें। यहीं आरिफ चटखारा के पास मिल रहा है भाई ये कराची बर्गर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? कराची बर्गर, कराची से हैं क्या आप? नहीं, कराची से हैं, मुजफ्फराबाद से। मुजफ्फराबाद से हैं तो कराची नाम कैसे रखा? काम कराची से है ना असल में? काम कराची करते हैं। कराची में काम करते थे, बर्गर ही बनाते थे वहाँ पे आप? बर्गर। अरे वाह वाह। ये फज्जे के पाए और आरिफ चटखारा और इसी के सामने यहाँ पे एक छोटा सा शॉप है जिसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म की ये क्या बना रहे हैं? ये मलाई बोटी बना रहे हैं। मलाई बोटी बना रहे हैं भाई, ये मलाई बोटी स्पेशल यहाँ पे बन रही है, तैयार हो रही है। ये बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे हैपनिंग सीन है। क्या हाल है भाई? का शुक्र है मेरी जान। मेरे मुल्तानी चना पुलाव। या सर, यह चिकन दाल चावल बवा। चिकन दाल, हाँ मैंने फैसलाबाद में मैंने खाए, फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा होते हैं ये। वो होती है ये लाहौर में मुल्तानी दाल चावल, छम्मा दाल चावल फैसलाबाद के है ना? होते हैं होते हैं, लेकिन यहाँ मुल्तानी है। कैसे होते हैं इनकी दाल चावल? बहुत अच्छे हो गए, बहुत जबरदस्त। हाँ भाई, तो ये आरिफ चटखारा के और फज्जे पाए के लाइन में आगे आएंगे ना आप, तो आपको ये मिलेंगे मुल्तानी दाल चावल और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है चावलों की भी और दाल की भी। चिकन दाल है ये 50-60 में मिल रहे हैं। ज़ियाद तबारक साहब, कैसे हैं आप? कराची से आए हुए हैं? जी जी, कराची से आया हूँ मैं। डॉक्टर ज़ैन आपकी वीडियोस देखता हूँ, अच्छी होती हैं, अच्छे रिव्यूज़ होते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वेलकम, जिंदा दिलाने लाहौर के शहर में आप मौजूद हैं, खिदमत का मौका दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक पिक्चर आपके साथ में लेना चाहूँगा। ये भाई फज्जे के पाए। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह जबरदस्त सर। वो खुला, लॉकडाउन खुला है? खुला होता है 24 घंटे। हाँ, अभी लॉकडाउन में तो काफी दिन बंद रहा होगा ना? 4 महीने, उसके बाद 3-4 महीने हो, अभी 24 घंटे ऑन है। अरे हालात बेहतर हो गए माशाल्लाह, बेहतर हो गए अल्लाह का। और 24 घंटे सीन ऑन है। फज्जे की पाए की वीडियो मैं बना चुका हूँ, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक ऊपर है, आप जाके देख सकते हैं। और अभी भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कॉल है और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जो हूँ वो ट्राई कर लूँ, लेकिन लेकिन अभी हम थोड़े से मेरा ख्याल है कि हल्के से ट्राई कर लेने चाहिए क्योंकि आए हैं और यहाँ पर आए हैं और फज्जे के पाए ट्राई ना करें तो फिर मज़ा नहीं आएगा। फज्जे के पाए ट्राई करके हम जाएँगे ज़रा आरिफ चटखारा के ऊपर। ठीक है, अगली शिफ्ट की तैयारी हो रही है, सुबह की तैयारी हो रही है भाई ये। ओहो, यहाँ ये पाए धुलते जा रहे हैं और यहाँ से यहाँ आते जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? नवीद।
नवीन भाई आप कौन से मंडी के बारे में? सर ये मेरे नाना जी हैं। अच्छा आपके नाना जी? नाना जी उनका आसिफ भाई है, वो कौन है? वो मेरे मामू के बेटे। ये आ गए भाई हमारे बहुत ही जबरदस्त किस्म के पंजे के पाए, और हमने पंजे के पाए थोड़े से ही मंगाए। उसकी वजह यह है कि हमें आर्य चमसारा पे भी जाना है और पेट पे जगह रखनी चाहिए, तो इसके ऊपर ज़रा सा ये काली मिर्च डालना तो भाई बनता है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, और ये है यहाँ के लाहौर के स्पेशल नान। ये है भाई मज़ेदार किस्म के फज्जे के पाए, और बंदा लाहौर आए और फज्जे के पाए ना खाए तो भाई फिर लाहौर आने का क्या फ़ायदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाए खाते ही जो रोगनी जो रिच टेस्ट आपके मुंह में आता है, उससे आपके जो है ना वो 14 तबक रोशन हो जाते हैं। शोरबा ही इतना लजीज है इसका कि आप खाते जाएं। और पाए की शोरबे की क्वालिटी असल ये है कि आप इसको सूप की तरह इस तरह पी भी लें। सिर्फ शोरबा ही होना तो नान के साथ आप खाएं और लुत्फानंदोज हो। पाए का जायका बहुत ही आला। हाँ भाई चलते हैं जरा आरिफ चंसारा पे। हो गए अमर भाई, तो फाइनली हम आ गए आरिफ चटखारा के बारे में क्या कहेंगे आप? आरिफ चटखारा का बड़ा नाम सुना है और ट्राई करते हैं। आरिफ चटखारा कैसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह आप ये चेक कर रहे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म के आरिफ चटखारा तैयार हो रहे हैं, और ये होता है माहौल। ये मेरे ख्याल में फाइनल स्टेज पे वहाँ से ये किस तरह से काम हो रहा है? ये सब सब लोग बना रहे हैं या ये सब अपने अपने बना रहे हैं? सब अपने अपने बना रहे हैं। सीक्वेंस तो होते हुए आ रहा है। नहीं वो सीने वाला है, ये लेग वाला है। अच्छा आप लेग का बना रहे हैं? उसका बना रहे हैं। मैं लेग मास्टर हूँ, चेस्ट मास्टर है। क्या हाल है भैया? ये क्या चीज है? ये अंडा टिक्की है। अंडा टिक्की? अंडा टिक्की भी बन रहा है यहाँ पे? वाह भाई वाह, ये बन रहा है अंडा टिक्की। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे क्या है? यहाँ बन रहा है भाई ये कीमा फ्राई। ओहो देसी घी में तैयार करते हैं? देसी घी में तैयार होता है भाई। वालेकुम। आप देखवाएँ हमारे यहाँ अंडा टिक्की, चिकन तवा पीस, कीमा फ्राई, जो एक दफ़ा ये खाएगा उसका दिल करता है कि मैं दोबारा वहाँ जाऊँ। और ये सारी माशा तैयार हो रहा है। इसका प्रोसेस है क्या? आपने डाला है इसके ऊपर मसाला? मसाला है दही के अंदर तैयार था मसाला। ये मसाला ये दही के अंदर रेसिपी है। पहले बारबेक्यू में रखे होते हैं? हाँ जी हाँ जी, पहले बारबेक्यू होता है। दो लोग हमारे जो कारीगर है वो बारबेक्यू कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? एंड वाली साइड पे छत पे हो रहा है बारबेक्यू। ऊपर छत पे बारबेक्यू हो रहा है। बारबेक्यू होने के बाद फिर यहाँ का कितने का टिक्का? 300 ये मेरे बड़े भाई हैं आरिफ साहब। जी बड़े भाई हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहजाद। शहजाद जी जी भाई, आरिफ चटखारा की तारीफें सुन के हम कराची से आए, क्या ऐसी बात है आखिरकार? सर ये अल्लाह का करम सबसे पहली बात।
और दूसरी बात नीयत अच्छी हो, और दूसरी तीसरी बात ये कि इसकी जो रेसिपी है वो लकी मेहरबानी से बड़ी मयारी है उसकी, जिसमें वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, हरी मिर्च, जो ग्रीन चिली जिसे बहुत स्पाइसी जो लोग हैं इसको बड़े लाइक करते हैं, 30-35 साल से ज़्यादा हो गया हमें इसकी रेसिपी, ये कमाल की चीज़ बनी हुई है जी इंशाल्लाह, ये बहुत बेहतरीन है। और दूसरी तीसरी आखिरी बात ये है कि अल्लाह का करम इसमें लाजमी है, अल्लाह के करम की वजह से ये सारा सिलसिला चल रहा है। अच्छा भाई, नीचे तो खाने का बहुत ही ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है, और यहाँ पे आरिफ चटखारा के ऊपर तकरीबन 7 हॉल हैं, फैमिली हॉल भी हैं, जेंट्स हॉल भी हैं, और यहाँ पे सब खाना वाना चल रहा है। ये इनका एक छोटा सा डेरे स्टाइल का सेटअप बना हुआ है, यहाँ पे म्यूज़िक व्यूज़िक भी चल रहा है, नीचे फर्शी निश्चित है बैठने के लिए। हमने खाना ऑर्डर कर दिया है, खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, और देखते हैं कि भाई क्या गाना सुना रहे हैं हमको। मेरा नाम जनाब सरवर अली मेहंदी है। सरवर अली मेहंदी, मेहंदी मेहंदी साहब के हम फैन हैं। अच्छा अच्छा, मेहंदी साहब को जिंदा रखे हम लोगों ने। अच्छा, अच्छा। सरवर भाई आपने किससे सीखा है? जी मेरे बड़े भाई गाते थे। अच्छा। उनका नाम सिकंदर अली है, तो उनसे शौक़ पड़ा मुझे, फिर मैंने शागिर्दगी की। फिर मेरे एक और उस्ताद हैं उस्ताद शौकत साहब, मैं उनकी शागिर्दगी में रहा, तो अल्लाह का करम है बहुत। ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ज़बरदस्त भाई, सुभानअल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अब हम खाना भी ट्राई करते हैं अपना, आप भी आइए खाना खाइए, आप खाएं खाना, हम देखेंगे आप ज़बरदस्त। ओके भाई, खाना हमारा आ चुका है, और दो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तवा तिक्का के पीस आए हैं आरिफ चटखारा के, और हरी मिर्चें और नींबू और ज़बरदस्त किस्म के मसाले का चटखारा इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है। साथ में ये चपाती, रायता भी है, सलाद भी है। तो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं विदाउट एनी चपाती। ओहो, ये जो मक्खन मलाई की तरह, ये जो तवे के ऊपर इसको कटाकट की तरह पूरा मैश कर देते हैं, और फिर मसाला इसके अंदर अंदर तक मैरिनेट हो जाता है ज़बरदस्त तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारबेक्यू हुई हुई चिकन, और उसके ऊपर हरी मिर्चों के मसाले का, दही के मसाले का तड़का अच्छे तरीके से, लीमू उसके अंदर विदा हुआ, और थोड़ा सा लीमू अगर मैं इसके ऊपर और भी निचोड़ लूं तो और भी मज़ा दुबाला हो जाए। ओ
बहुत ही चटपटा, चटखारेदार, लजीज। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं इसके अंदर रायता लगाऊं या और कोई चीज़ लगाऊं। बहुत ही मसालेदार, मज़ेदार। चपाती से भी ट्राई करते हैं, रायता भी लेंगे। चपाती, रायता और सलाद के साथ खाने के साथ जो है ना, वो टेस्ट इसका डिफरेंट हो गया है। लेकिन मैं तो भाई प्रेफर करूँगा, लेकिन इसको आप वैसे ही खाएं ना तो उसका मज़ा अलग है। खाली रूखा खाएं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसके साथ मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर इतने मसाले, इतनी चटपटी चीज़ें हैं कि आप खाते जाएँ और खाते ही जाएँ। वाह भाई वाह। दूध पत्ती बहुत ही मज़ेदार है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चाय है। और इस ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी दूध पत्ती के साथ हमारे आज के इस एपिसोड का अख्ताम हुआ। और यहाँ पे अंदरून शहर में आके खाना खा के यहाँ पे लोगों से मिलके बहुत ही मज़ा आता है। आप लोगों को भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। तो नहीं, वाह वाह वाह, बहुत आला, क्या बात।